और यहाँ पर है ढेर सारी सब्जियां जिनको मैं अब अलग अलग करूंगी और सफाई करूंगी। तो आप देख सकते हो वहां पर केले भी पड़े हुए हैं। तो चलिए लगते हैं काम पर। तो यहाँ पर है थोड़ी पुरानी सब्जियां तो मैं सफाई भी कर लूंगी। तो ये बास्केट है तो फटाफट से सारी सब्जियों में पानी को अच्छे से अच्छा ऐसे वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी है उसको मैं पहले वॉश कर लूंगी। तो ये सारी पॉलिथीन से उसको मैं स्टोर करती हूँ तो कूड़ा भरने के लिए और बहुत सारे की चीजों में काम आ सकती है। ये जो वीडियो है मैं क्लीनिंग रूटीन में डालने वाली थी पर इसके लिए मैंने आगे आपको हेलो हाय नमस्ते नहीं बोला तो मैं अभी बोल लेती हूँ। हेलो हाय नमस्ते, आप कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत बहुत ही बढ़िया हो और आपका दिन भी शुभ रहे। और कचरा जो भी निकलेगा उसको भी साइड करके जाऊंगी और ये जो अदरक है उसको भी अच्छे से वॉश कर लूंगी। और ये जो हरी मिर्चे हैं उनको भी मैं छाट लूंगी, इनके जो डंठल है वो अलग कर दूंगी। और ये इसलिए जरूरी है कि मैं हर बार तो नहीं ला सकती तो मैं साथ में ला के स्टोर कर लेती हूँ हरी मिर्च को, जिसके चलते ये लॉन्ग टाइम तक रहे। तो इसके लिए मैं इनके ये जो है उसके ऊपर के वो निकाल दूंगी डंठल को और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर में रैप करके, पर हाँ मेक श्योर वही करना है कि वो अच्छी तरह से ड्राई हो वरना आपकी हरी जो मिर्च है वो खराब हो जाएगी। और ये जब भी सब्जी लेके आते हो तब भी करना चाहिए। तो जिस दिन भी सब्जी लेने जाओ तो वो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास टाइम हो, क्योंकि तभी आप इजीली इसको कर दोगे और एक टाइम का थोड़ा आपका टाइम जाएगा, वरना जब भी आपको नेक्स्ट टाइम चाहिए होगा तब जल्दी जल्दी इसको यूज कर सकते हो। और जब से कोरोना आया है उससे पहले से ही मुझे तो थोड़ी हैबिट थी कि सब्जियों को धो के रखो, और कोरोना के बाद से तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी के चलते मैं सब्जियों को धो लेती हूँ और इसमें से जो भी पानी निकलेगा उसको भी आपको थोड़े थोड़े ड्रेन करना पड़ेगा और ये टोटली ड्राई हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि कैसे आपको स्टोर करना है। तो अब मैं इसको खुला खुला छोड़ दूंगी। सारी सब्जियों को मैंने खुला खुला छोड़ दिया है आगे, इसके चलते वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और इस वीडियो डायरेक्टली है तो इसमें बारबी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, क्योंकि उसको जब भी पॉलीथीन की आवाज़ आती है उसको लगता है कि मेरे लिए खाने को है तो वो चिल्लाती है कि मुझे भी दो। तो अब बारी है मिंट की, तो उसको भी मैं छान लूंगी। तो इसमें से इतना सारा कूड़ा निकल चुका है, रिटर्न तो कोई लेगा नहीं ना। तो ये सारी सब्जियां जो है, ये मिंट है, धनिया है, ये मुझे आज बहुत ही कम दामों में मिल गई और सुबह सुबह ही मैं गई थी तो बहुत सारी सब्जियां लेके आई हूँ। ये सीताफल है, बनाना है, फिर ये आंबा हल्दर है, ये पीली वाली हल्दर है, ये टिंडा है और ये जो लेफ्ट ओवर थी उसमें भिंडी टमाटर और अदरक है। उसके बाद ये आंवला है, बेचारी टमेटोज है, मिर्ची है, ये फिर बैंगन है, ये खीरा है, गाजर है, एक पत्ता गोभी है और एक बंद गोभी है, फिर कैप्सिकम, अदरक। ये मैं इसके लिए छोटे छोटे लाई क्योंकि मैं ओनली ज़्यादातर यूज़ करती हूँ चाय में और जो कि मैं मसाला बनाती हूँ उसमें तो अभी नहीं बनाना है, मेरे पास है पड़ा हुआ तो मैं उसके लिए यूज़ नहीं करूँगी। तो उसके बाद ये बीट है, ये अमरूद है जिसको जमरूद भी बोलते हैं। तो आज मेरा मन हो गया तो मैं ये दो फल लेके आई, वरना मैं फल बहुत कम खाती हूँ, और लेमन है। तो
तो बस इतनी सारी सब्जियां मैं लेके आई हूँ आज, और इन सभी को मैं कैसे रखूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी सब्जियां जो है वो अब ड्राई हो चुकी है, तो मैं अलग अलग कर लूंगी। और मैंने इसमें से एक सब्जी बना भी ली है क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी, मैं बाहर गई थी, तो फटाफट से मैं इसमें से अलग कर लूंगी। तो इनमें से सारा पानी जो है वो निकल चुका है, तो नींबू टमाटर सब मिक्स हो गया। ये जो हरी मिर्च है ये 2 या 3 वीक से है, पर ऐसी की ऐसी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो कंटेनर है मेरा, तो उसमें मैं बिछा दूंगी ये टिश्यू पेपर को, और इसके बाद ये सारी ये पूरी ड्राई की हुई हरी मिर्च है तो उसको मैं डाल दूंगी। आप इसी तरीके से धनिया और पुदीना दोनों को भी स्टोर कर सकते हो। और अभी बारबी की नहीं बट विसल जी जो है वो शांत नहीं बैठ रही, क्योंकि मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कुकर की आवाज़ आ रही है। और ये जो नींबू है उसको भी आप पानी में रख के स्टोर कर सकते हो। तो साथ ही मैं हरी चटनी भी बना रही हूँ, तो उसी के अंदर मैंने जो बची हुई लाल मिर्ची है वो डाल दी है। और आपको पता ही है कि मुझे चटनियाँ कितनी पसंद है, तो मेरे वीडियो में आपको आगे भी देखने को मिलेगी बहुत सारी चटनियों की वीडियो, और पीछे भी है तो आप वहाँ पर लिंक में मेंशन कर दूँ कि आप जाके देख सकते हो। और ये जो आंवला है तो उसका भी अचार बन जाएगा इन तीनों का, तो ये तीनों चीजों भी इस तरीके से यूज हो जाएगी। अभी के लिए मैं उसी में डाल रही हूँ, और मेरे फ्रिज के नीचे है पर मैं उसमें नहीं रखती, मैं इसी बास्केट में सारी सब्जियां रखती हूँ। तो ये हो चुका है मेरा सब्जी की टिकड़ी रेडी, और ये जाएगी फ्रिज में। ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।